आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम और बनाना इसको बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रॉबेरी की ये ऊपर का जो लीफ है ये हटा के इसको ऐसे पीसेस कर देंगे हम। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही टेस्टी जैम है ये, और सीजनल फ्रूट का जैम आप तैयार बना के खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत हेल्दी भी है। एक्चुअली रेडीमेड जैम लाते हैं उससे तो काफ़ी अच्छा है, और सीजनल फ्रूट का जैम आपको हमेशा बनाना चाहिए आपके बच्चों के लिए और आपके लिए। ये इस तरह से हमने इसके सब स्ट्रॉबेरी के हम पीसेस कर देंगे। ये देखिए हमने सारे स्ट्रॉबेरी को पीसेस में कट कर लिया है। आपको जितना पतला चाहिए आप इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है कि इसको थोड़ा थिक रखना है, और थिक और उसका थोड़ा सा गाढ़ापन आता है इसके जो, वो बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने इसलिए इसको पीसेस में कट किया है। अब हम इसको हमारे कढ़ाई में डाल देंगे। ये अब हम इसको पूरी कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसमें जितने हमारे स्ट्रॉबेरी थे, मान लो 400 ग्राम है तो 200 ग्राम हमको शुगर डालनी है। एक कटोरी मेरे स्ट्रॉबेरी पीसेस थे, ये मैंने इस कटोरी से नापा, तो उसका आधा कटोरी मैं शक्कर इसमें डाल रही हूँ। ये अब हम इसको बनने देंगे। वैसे अलग अलग तरीके से भी बनता है जैम, कुछ लोग इसको पानी में बॉईल करके फिर मिक्सर में ग्राइंड करके छान के लेते हैं, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा पल्पी टेस्ट टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पल्प आता है इसका, वो क्या है छानने पे इसका सब पल्प निकल जाता है, गाढ़ापन, वो आपके टेस्ट के हिसाब से है कि आपको कैसा पसंद है। तो मैंने इसलिए इसके डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी पीसेस और शक्कर डाल के अब हम इसको चलाते रहेंगे। गैस को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। ये देखो शक्कर पिघलने आई है, स्ट्रॉबेरी गलेगी और ये भी अपना पानी छोड़ेगी। ये देखिए शक्कर अच्छे से पिघल गई है और ये भी हमारा बीच में ये जाग थोड़े से हम निकाल देंगे शक्कर के। इसमें एक पिंच हम सॉल्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं। अब इसी समय में इसके अंदर हाफ टी स्पून या उससे कम नींबू का फूल डाल रही हूं मैं।
अगर आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून विनेगर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रेश ही खाने वाली हूं। ये भी 1 महीने तक तो नहीं बिगड़ेगा अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप जैम बनाते हैं फ्रेश, तो ये भी 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं आप इसको फ्रिज में। ये देखिए, अच्छे से हमारा कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और हमारा जैम लगभग रेडी हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इसकी 1 ड्रॉप इस प्लेट में डालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अगर ये नीचे नहीं गिरता है, ये देखिए, इट मीन्स हमारा जैम रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको बॉटल में भरेंगे। ये देखिए, हमारा जैम एकदम ठंडा हो गया है। अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, एकदम गाढ़ा रिच। अब मेरा एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैं जब फ्रेश जैम बनाती हूँ तो मैं उसमें फ्रेश कटे हुए फ्रूट भी डालती हूँ। ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी, ये आपको पसंद नहीं और आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो ये आप नहीं डालें, लेकिन जब फ्रेश खाते हैं तब उसमें ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी जब आती है बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये इसमें मैंने फ्रेश बारीक काट के स्ट्रॉबेरी इसमें डाल दी है। ये हमारा जैम, आप एक बार ट्राई करिएगा ये फ्रेश फ्रूट डाल के। और वैसे जैसे मैंने बताया कि इस जैम को भी हम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे या फिर आप बर्नी में, जार में, जिसमें भी भरना चाहें भर सकते हैं और इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये जब खाने के बीच में ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेस आते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। ब्रेड जैम या फिर थेपले के साथ बहुत अच्छा लगता है ये जैम। लीजिए, हमारा स्ट्रॉबेरी जैम रेडी है। आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।